Hello friends, let's talk about your company, your share, Brightcom Group Limited. दोस्तों, काफ़ी हम लोग जो शेयर होल्डर्स होते हैं उसके हम लोग रोज़ राह देखते हैं कि शेयर का मूवमेंट क्या होगा, बिकॉज़ इसमें आप लोगों ने भी पैसा लगाया हुआ है, मैंने भी लगाया हुआ है, और ये बात तो एकदम नेचुरल है कि हम लोग यही चाहते हैं कि शेयर का मूवमेंट अच्छा हो, शेयर हमें प्रॉफिट दे, ऊपर जाए. एंड वही एंगल से हम लोग रोज ऑब्जर्व करते हैं कि इसका मूवमेंट कैसा होगा. एंड आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट टूडेज जो भी आज हुआ ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर मूवमेंट, उसके बारे में मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, खुश हूँ. उसका कारण बताता हूँ आपको. एंड मैं इस शेयर के बारे में काफ़ी बुलिश हूँ और मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है. वो क्यों, वो भी आपको बताता हूँ. क्योंकि देखिए, आप में से किसी के पास इसके 50 शेयर्स होंगे, 100 होंगे, 1000 होंगे, 10000 होंगे. अलग अलग लेवल पर सबने अपने कैपेसिटी के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करके रखा है. एंड काफ़ी लोगों की उम्मीद है कि ये शेयर मल्टीबैगर बनकर हमें काफ़ी अच्छी रिटर्न्स देगा आने वाले 1 to 2 years में. वही एंगल से हम लोग सब लोग देखते हैं. एवरी वन हैज़ अ वेरी हाई होप्स फ्रॉम द ब्राइटकॉम ग्रुप. तो आइए जानते हैं आज इसमें क्या क्या हुआ और अगले हफ्ते क्या हो सकता है. दोस्तों, आज ये जो क्लोज जो शुरुआत हुई दिन की, वो हुई अराउंड 118 to 119 के आसपास शेयर का जो था लोअर सर्किट लगा था. फिर वहाँ से पहले तो कोई मूवमेंट नहीं थी, फिर से एज यूजुअल मूवमेंट शुरू हो गई. इसके अंदर मूवमेंट शुरू हुई एंड ऊपर नीचे शेयर करते रहा. और आज काफ़ी इसमें वॉल्यूम्स हुए. आज का आपको वॉल्यूम बताता हूँ मैं. BSE पे आज 9 लाख के आसपास शेयर ट्रेड हुए दोस्तों. एंड NSE पे अराउंड 46 लाख, मतलब ऑल टुगेदर 55 लाख के शेयर आज ट्रेड हुए, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है वो शेयर का जो ASM स्टेज 4 में है. उस शेयर में इतना वॉल्यूम होना कोई छोटी बात नहीं है. दूसरी बात, 118 से जो शुरुआत हुई तो शेयर गया आज के दिन 131 तक. मतलब आप देखिए कि करीब करीब 13 रुपीज़ का जर्नी शेयर ने एक ही दिन में क्रॉस किया, जो कि बहुत ही बड़ी बात है. करीब करीब मोर देन 10% शेयर ने रिकवर किया. 118 से 131 तक गया, मतलब काफ़ी अच्छा इसने मूव दिखाया है. तो इसका मतलब क्या होता है कि शेयर में अभी भी काफ़ी डिमांड है, लोगों की बाइंग चल रही है. आपको बाइंग का डेटा बताता हूँ आज का, जो मैंने ऑब्जर्व किया है. आज 55 लाख शेयर ट्रेड हुए, बट उसमें रिटेल इन्वेस्टर ने करीब करीब किए 25 लाख शेयर ट्रेड. बट जो बिग इन्वेस्टर्स हैं, जो बल्क में बाय करते हैं, तो उन लोगों ने करीब करीब 30 लाख शेयर इसमें परचेज किए आज. एक एग्जांपल के लिए आपको बताता हूँ, ट्रांजैक्शन, सिंगल ट्रांजैक्शन बताता हूँ दोस्तों. सोचिए कितना ह्यूज बाइंग हुआ है, क्वांटिटी में बाइंग हुआ है. फॉर एग्जांपल, आज एक जो ट्रांजैक्शन हुआ वो हुआ 2,26,00,000 शेयर्स का, फिर हुआ 1,57,00,000 शेयर्स का, फिर हुआ 2,51,00,000 शेयर्स का, 2,32,00,000 शेयर्स, 2,55,000 शेयर्स, 1,23,000 शेयर्स. एंड सबसे बड़ा जो हुआ ट्रांजैक्शन, जो बाइंग हुई है, वो हुई है 8,90,000 शेयर्स का. तो आप देखिए 8,90,000 शेयर्स, उसके अलावा 80,000, 50,000, 40,000, ऐसे कुल मिलाकर 30 लाख शेयर्स जो है, जो कि बल्क में बाय किए गए. एंड इसका जो रेंज था, बाइंग रेंज, ऐसा नहीं था कि सब वो 118-119 में हुए. फॉर एग्ज़ाम्पल, 2,26,000 शेयर जो भी पार्टी ने लिए, इन्वेस्टर ने लिए, वो लिया 131 रुपीज़ के लेवल पर लिया है. मतलब 131 रुपीज़ का रेट जो इसका आज का हाई था, वहाँ पे भी लोगों ने बल्क में बाय किया है. 2,26,000 शेयर लेना कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, वो भी 131 के रेट में लेना. एंड 8,90,000 शेयर जो पार्टी ने लिए है, जो इन्वेस्टर ने लिए है, वो लिए 125 रुपीज़ के रेट में. तो आप सोच सकते हैं कि इतने ज़्यादा रेट में ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि दे आर कॉन्फिडेंट. हम तो 100, 200, 500, 1,000, 10,000 शेयर लेके बैठ जाएंगे, बट जो इक्विटी इन्वेस्टर्स है, या FIIs है, या DIIs है, जो लाखों में शेयर उठाते हैं दोस्तों, वो सोच समझ के उठाते हैं. दे डू थरो स्टडी. हम तो जो हमें मिलता है, जो हमें इंटरनेट के ऊपर या कंपनी के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उतना ही हम लोग वो हिसाब से कंपनी को जज करते हैं. बट जो लोग लाखों में शेयर उठाते हैं दोस्तों, उनका काफ़ी पैसा इसमें इन्वेस्टेड होता है, तो डेफिनेटली दे डू मोर स्टडी देन अस.
तो इतने बड़े बड़े डील के आपको क्यों मैं बता रहा हूँ, इस पे से आपको जजमेंट लेना है कि लाख दो लाख शेयर लेना कोई भी कंपनी का, मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है और दे आर श्योर कि फॉर एग्जाम्पल जिसने 131 रुपीज़ में जिसने 2 लाख शेयर्स लिए या जिसने 125 रुपीज़ में 8 लाख शेयर्स लिए, 8 लाख शेयर लिए, वो डेफिनेटली दोस्तों उनको तो ये होप होगी कि ये शेयर 200 जाएगा तो ही वो इन्वेस्ट करेंगे इतना पैसा इसके अंदर, इतना बल्क बाइंग करेंगे। एंड ये जो फिगर्स है लाखों में जो शेयर्स लिए गए हैं, ये इक्विटी फर्म्स होंगी, FIIs होंगे, DIIs होंगे या सुपर इन्वेस्टर होंगे जो लोग लाखों में शेयर लेते हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी कन्विंसिंग और पॉजिटिव बात हो जाती है हमारे लिए, आपके लिए, कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया है तो गलत नहीं किया है। मैंने कल भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि पैनिक मत करना। काफ़ी लोग पैनिक हो जाते हैं, शेयर 500 रुपये भी नीचे गिरता है तो लोग घबरा जाते हैं, बोलते बेच दूँ क्या, गिर तो नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा। देखिए दोस्तों इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस शेयर ने अपना जो 52 वीक हाई था, सॉरी ऑल टाइम हाई था 122 रुपीज़ का, उसको रिस्पेक्ट करके उसके ऊपर ही जा रहा है। मतलब जब भी ये 120 के आसपास आता है इसमें तुरंत बल्क बाइंग शुरू हो जाती है, पूरे शेयर भागने लग जाता है। ठीक है, आज इसमें अपर सर्किट नहीं लगा, बट यू शुड लुक एट द ब्राइटर साइड, पॉजिटिव साइड, कि 8-10% एक ही दिन में ये शेयर रिकवर हो गया तो वो करीब करीब अपर सर्किट जैसा ही होता है दोस्तों। ये आपने सोचना चाहिए, अपर सर्किट लगना मतलब ही शेयर भाग रहा है या वो पॉजिटिव हो गया है, ऐसा नहीं होता है। इसने 118 से 131 तक गया, ये हमने सोचना चाहिए। आज इसने क्लोजिंग दिया 126 रुपीज़ का, जो कि पिछला कल जो था थर्सडे को जो क्लोजिंग था 125 का था, मतलब करीब करीब वही लेवल पर आके ये शेयर रुका है, तो ये अच्छा है, हमारा कुछ लॉस नहीं हुआ इसके अंदर। एंड मैं तो बार बार कह रहा हूँ दोस्तों, आपको हर लेवल पर बाय कीजिए। 131 पे लिया तो भी आपको नुकसान नहीं है, 118 पे लिया तो भी नुकसान नहीं है, थोड़ा थोड़ा बाय करते जाइए, एक्यूमुलेट कीजिए। शेयर अच्छा है लॉन्ग टर्म के लिए भी, आपको एक लेके भूल जाना है, आप 50 शेयर लेंगे दूसरे और उसके बाद में ट्रैक करते बैठेंगे, आप ये ब्राइटकॉम ग्रुप को लेके बैठ जाइए, BCG को, आपको बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, यही शेयर आपको अकेला पोर्टफोलियो को आपको बढ़ा देगा। मैं जनरली बाकी जो कंपनियों के शेयर होते हैं 2-5% पोर्टफोलियो में रखता हूँ, बट इसको मैं अपने पोर्टफोलियो में अच्छा एक वेटेज दे रहा हूँ कि 30-40% मुझे ब्राइटकॉम ग्रुप पर रखना है अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज यही शेयर हमें हमारे पोर्टफोलियो को भगाते रहेगा और स्ट्रांग करते रहेगा। इसकी AGM की डेट जल्दी आएगी तो आपको अपडेट करूँगा मैं, और AGM में कुछ अच्छा पॉजिटिव अगर अनाउंसमेंट हुआ, क्योंकि AGM में भी काफ़ी लोग सवाल जवाब करते हैं एंड कंपनी जनरली AGM में कुछ तो भी एक पॉजिटिव बात डिक्लेयर करती है इन्वेस्टर लोगों को बताने के लिए। तो AGM इसके दिसंबर में आने वाली है, जो कि कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था इनके MD के साथ में, उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि दिसंबर में AGM होगी, उसकी डेट हो सकता है 2-4 दिन में कभी भी आ जाए, तो वो आने के बाद 20 में अच्छी तेजी रहेगी और AGM के दिन कुछ ना कुछ अच्छा डिक्लेयर होगा तो अभी एक पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा कंपनी को बूस्ट करने के लिए। और आप देखते हो ब्राइटकॉम ग्रुप को कुछ फर्क पड़ता नहीं इस शेयर को कि मार्केट गिर रहा है कि बढ़ रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। मार्केट का सेंटीमेंट आज भी वीक थे पर इसमें अच्छा ट्रेडिंग हुआ, और इम्पॉर्टेंट बात है कि अभी भी इसमें बाइंग हो रही है, वो भी बल्क में हो रही है, वो बात को आप ध्यान में रखिए दोस्तों, और कॉन्फिडेंट रहिए आपके कंपनी के बारे में, आपके शेयर के बारे में। बेचने की जल्दबाजी कीजिए मत, उल्टा मैं तो बोल रहा हूँ एक्यूमुलेट कीजिए हर लेवल पर, जो लेवल पे गिरता है मंडे को समझो उसमें लोअर सर्किट लगता है, फिर से अगर हो सकता है कुछ कम नीचे गिर जाए थोड़ा बहुत तो आप तुरंत बाय कर लीजिए, क्योंकि इसमें आज भी सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग थी तो हो सकता है थोड़ा सा वापस नीचे खुले हो मंडे को, तो फिर से आप बाय कीजिए। अगर आपको 120 125 के आसपास मिलता है तो फिर से इसमें फिर से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है हमको 120 के आसपास, ये शेयर उसके नीचे जाने को तैयार नहीं है। हो सकता है उसके नीचे चला भी जाए, कुछ हो जाए, कोरोना का कुछ प्रॉब्लम आ जाए, कुछ बड़ा बैड न्यूज़ आ जाए तो चला जाएगा, पर आप घबराइए मत, ये शेयर रिकवर होगा 100% होगा, बेचने का जल्दबाजी करना नहीं है। अच्छा, जो लोगों ने इसमें अगर बहुत कम रेट में लिया हुआ है 10-15-50 रुपये में, पार्शली प्रॉफिट बुक कर सकते हो आप, नो डाउट अबाउट इट, बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको होल्ड कीजिए। आप देख सकते हैं बड़े बड़े इन्वेस्टर्स एंड FIIs इसमें एंट्री मारेंगे, मैंने आपको बताया भी था, MSCI के जो इंडेक्स में भी यह शेयर आ चुका है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल के लिस्ट में भी आ चुका है यह शेयर, तो उसके कारण भी इसमें FIIs का नज़र रहेगी। और FIIs भी ये बात जानती है कि लोअर सर्किट में ही इसको हम बाय कर सकते हैं, अपर सर्किट में इसको बाय नहीं कर पाएंगे, इसलिए जब भी थोड़ा बहुत गिर रहा है तो लोग इसको एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 131 में भी ले रहे हैं, 125 में भी ले रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं कि आप और हम ये सोचते कि नहीं पूरा गिर जाएगा, बॉटम आउट हो जाएगा, फिर ही लेंगे, ये गलती मत कीजिए आप। बॉटम आउट कहाँ होगा पता नहीं है, हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि इसमें इतना जो इंटरेस्ट दिख रहा है, बल्क बाइंग हो रही है,
इसका मतलब है कि और भी लोग इसको बाय करेंगे, तो आप इसमें नज़र बना के रखिए, एग्जिट मत कीजिए, ऐसा रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी प्रॉफिट बुकिंग करना है तो आप कर सकते हो जिसको इच्छा होगी तो, बट ये शेयर बहुत ज़्यादा गिरेगा नहीं, और जब बाउंस बैक करेगा तो बहुत ज़्यादा चलेगा दोस्तों। ASM लिस्ट में है इसीलिए इसमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है लोगों को बाय करने की, तो आप इसको कर सकते हैं। बिकॉज इसको बाय करने के बाद आप दो दिन तक बेच नहीं पाओगे, और इसीलिए आप भी फिर भी सोचिए कि करीब करीब 30 लाख शेयर्स ASM लिस्ट 4 में होने के बावजूद भी आज बाय किए गए, बल्क बाइंग हुई, 2 लाख, 1 लाख, 8 लाख शेयर्स लोगों ने बाय किए वन स्टॉक में। तो यू कैन इमेजिन कि व्हाट, हाउ मच दे आर कॉन्फिडेंट। तो वो लोग इतना पैसा लगा के कॉन्फिडेंट है, तो हम लोग क्यों नहीं रह सकते। ये पॉजिटिव बात सोचकर आप इसमें बने रहिए। यू आई एम क्वाइट बुलिश अबाउट दिस शेयर, आप भी हिम्मत रखिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कीजिए। ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी, और क्वार्टर रिजल्ट दिसंबर का अच्छा आएगा, तो डेफिनेटली और भी हमें इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। तो आई एम बुलिश एंड आई होप यू आर ऑल्सो यू विल बी ऑल्सो बुलिश अबाउट ब्रैडकॉम ग्रुप एंड होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। थैंक यू।